मुरी वल्लभाधीश की जय गुसाई जी परम दयालु की जय श्याम सुंदर श्री अमुन महारानी की जय धरण की जय श्रीनाथ प्यारे की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण आप श्रवण कर रहे हैं दो सौ वामन आज चौरानवे वो दिवस भाग चौरानवे वार्ता चल रही है हतित पतित राक्षस सुप्रारम्भ करें हैं रुकु जय श्री कृष्ण भाव प्रकाश वार्ता में चाचा हरिवंश जी वैष्णव को स्वरूप जताए जो वैष्णव काहूते डरपत नाही ही थे जो उनके हृदय में काल हु के काल ऐसे श्री ठाकुर जी आप विराजत हैं ताते है। ता काल कर्म सब उनते डरपत है सुपरमानंद दास जी गाए हैं सारंग में को को भक्त माने डर हरी को भक्त माने माने डर डर काके काके जाके कर जोरे ब्रह्मा दिख देत सब दंडोती जाके सिंह सखा कर ग्राम बसावे यह विपरीत सुनी नहीं देखी हाथी चढ़े कुकर की शंका दो कौन पुराण लेखी सुगम लोग अरु मूढ़ मूढ़मति कृपा सिंधु समरथ सब सम लायक परमानंद दास को ठाकुर दीनानाथ अभय पददायक और वैष्णव बड़े दयाल होते हैं जो उनको उपकार करे ताहू को ये उपकार करते हैं वा को जन्म मरण ताई को कष्ट छुरावत है सुसूरदास जी गाये हैं ऐसो भक्त तरे और तारे परम कृपाल परम दीन बंधु शरण गहे वा को दुख निवारे सब मैत्री शत्रु नहीं कोई वाद विवाद सबन सौ हारे हरि को नाम जपे निषास संसय ताप निवारे काम क्रोध ममता मद मत्सर माया मान मोह भ्रम हारे मिरलो भी निर्वैर निरंतर कृष्ण रूप जब हृदय विचारे हरि को नाम सुने और उगावे कृष्ण भजन करी दुख ही दुरावे सूरदास हरि रूप मगन भई गुण अवगुण का पर नहीं आवे सु so, चाचा जी ऐसे भगवत भक्त हैं ताते ये राक्षस उनके शरण तो आए तब इन श्री गुसाई जी को सुमरन कर उनको नाम सुनायो सो so, उन दोन को गुरु को संबंध भयो ताते उन दोन को उद्धार भयो लीला में प्राप्ति भई जो जैसे सु जैसे व रजपूत की बेटी को लीला की प्राप्ति भई तैसे यहाँ हूँ जानो तापाछे सब वैष्णव तथा चाचा हरिवंश जी श्री गोसाइन जी पास श्री गोकुल आए श्री जी के दर्शन किए पाचे साष्टांग दंडवत करके समय देखें श्री गोसाई जी से दो भाई सुन के समाचार सब चाचा हरिवंश जी ने कहे और श्री गोसाइन जी से विनती करी जो महाराजा धीराज ये दो भाभी दो भाई पूर्व जन्म में कौन आते और कौन पुण्यति इनको ये समागम भयो उद्धार भयो सो सब बात आप हम कृपा कर कहिए तब श्री गोसाई जी ने कहो जो ये दो भाई पूर्व जन्म में वैष्णव होते सो ये श्रीमाली ब्राह्मण गुजरात के वासी होते सो भगवत सेवा भली भांत सो करते पर अकंचन होते सो एक समय ब्रज को तीर्थ यात्रा को गए होते सो तीर्थ यात्रा कर घर को आवत होते तब मार्ग में एक हरिवंश जन वैष्णव रह, रहता तो सुबह के घर ये दो भाई गए तब वह वैष्णव तो घर ना ही तो कहू गांव में कामकाज को गए हो तो की स्त्री घर होती तब वह स्त्री ने वैष्णव जान के घर में उतारे था पाछे सीधो सामग्री सब दी नहीं पाछे उन दो भाई ने वहाँ थे कूप में थे जल काढ़ के और नहाए के धरे हो पाछे महाप्रसाद लेके रात्रि को कीर्तन करे था पाछे वह स्त्री ने ये दो वा के घर भीतर ही सुवाए सुंदर आसन सिज्जा बिछाए दी नहीं तब तापर सोई रही ताप आचे वह स्त्री के शरीर पे गहनों बहुत अतो घर में बहुत संपन्नता आती तो मध्य रात्रि को दो भाई जागे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहो जो या स्त्री पास गहना बहुत है और या के घर में और को नहीं ताते या को मार के मुख मूंद के सब गहनों उतार ले जाए ऐसे दो भाई विपरीत बुद्धि विचार के उठ के ये तो देखने लागे तो एक छुरी देख के ले के एक भाई ने वह स्त्री को मुख वस्त्र से मुँधो एक भाई ने वह की छाती पर चढ़ के वाह को दो एक ठोर छुरी की मारी कि वाह को गहनों सब उतार लियो पाछे वहां ते दो भाई भाजे सुरात्रि को कोस दस बीस निकस गए पाछे व स्त्री ने सावधान हो के मुख में थे डूचा काढ़ो पाछे पुकारी तब लोग सब आए जुड़े सवार हो पाछे हाकिम ने हाकिम की मनुष्य आगे सब समाचार कहे हाकिम ने मनुष्य दस उनके खोज को पढ़ाए दोहराए पर पाए नहीं तब आचे वग को पति घर को आयो तब तो ताने सब समाचार सुने तब वह स्त्री सो कहो जो बात सब विस्तार की कहो तापाचे वह अपनी स्त्री सो खीजो बहुत कहो जूते उनको घर में काहे को उतारे आज पाछे ऐसो काम ना ही करिए तब तो उन स्त्री ने कहो जो मैं वैष्णव जान के उतारे तब पाछे वह स्त्री को मल्लम पट्टी कर सो थोड़े से एक दिन में वह स्त्री आछी भई पाछे वह दो भाई मार्ग में जात होते घर को सो मार्ग में चोर ठगन भाल राखी सो वह चोर ठग इनके पाछे लागे सो नदी के काठे व खोर में इनको बुलाए के ले गए वहाँ उन दोनों को ठोर मारे तब आचंग वित्त सब चूर ले गए अति सुबह दिन ते दो भाई ब्राह्मण राक्षस भये हैं प्रेत योनि उनपाई सुबात को पाँच सौ बरस भये ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव है श्री ठाकुर जी ने सुध कर कृपा करे तो तुम्हारे वैष्णवन के दर्शन भये तब इनको दोष निवृत्त भयो तब इनको ज्ञान भयो अब हमारो संबंध पाए इनकी गति भई लीला में पहुँचे भाव प्रकाश कायते ये लीला में, में नैरो वरो दो सखी हैं लेखाते प्रकटी हैं ताते उनके तामस भाव रूप हैं ये चंद्रकला के युद्ध की हैं तो यहाँ चाचा हरिवंश जी द्वारा श्री गोसाई जी को संबंध पाए लीला में प्राप्त भई यहाँ यह संदेह हुई जो इन दोनों को ब्रह्म संबंध तो भयो नहीं है सो लीला में कैसे प्राप्त भई कहाँ कहते हैं जो जैसे कृष्णदास द्वारा और वेश्या की छोरी को लीला में प्राप्ति भई पाचे लीला में ललिताजी ने श्री स्वामी जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवाया तैसे इन दोनों को चंद्रकला ने श्री चंद्रावली जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवाया ये जान लो ताते वैष्णव को विचार के चलना मैद अपराध ते ऐसी गति होते है पर वैष्णव के संगते दर्शन ते भगवत प्राप्ति भई ताते तादृशी वैष्णव की संगति ऐसी है ऐसे श्री गुसाई जी श्रीमुक्ति कह सुचाचा हरिवंश जी और वैष्णव सुन के बहुत प्रसन्न बहुत ही प्रसन्न सो वे हतित पतित श्री गोसाइन जी के दो ऐसी कृपा पात्र भगवदीय है ताते इनकी वार्ता कहाँ तय कही है यहाँ वार्ता प्रसंग सत्तर विश्राम होते है और अब श्री गोसाइन जी के सेवक दो वैष्णव विरक्त साथ रहते इनकी वार्ता को भाव कहते हैं भाव प्रकाश ये दो राजनगर में कोष पाँच उरे मैं एक गाम है तहाँ दो ब्राह्मण के जन्मे सो ये दो ब्राह्मण के घर एक ही बाखर में है ताते ये दो लड़का संग खेले संग खाएं पिए यह प्रकार दोन में प्रीत बहुत बड़ी पाचे दो बरस पाँच सात के भई तब इन दोन के माता पिता इनको एक पांड्या के वहाँ पढ़वे को बैठाए सो एक तो कचुक पढ़े और दूसरो सूदो अतो सो कचुक पढ़े नहीं तब पाछे दोन के माता पिता ने दोन के ब्याह किए तब दोन की स्त्री आई सो वे दो महाकुपात्र आई आसुरी सवन को गारी दे कलेश करे जो वस्तु पावे सो चुराए के माँ बाप को दे आवे सो घर के सब महा दुख पावे ऐसे करत कछु दिन में दून के माँ बाप ने दे छोरी तब ये दू आपस में विचार किया जो भाई अब घर में रहनो उचित ना आई काहे थे जो घर में नित्य कलेश होते ताते काहू और ठोर जाए तो आछो ऐसे दो विचार किए पाचे घर में काहू सो कहे बिना रात्रि को चले राजनगर आए रहे तहाँ भिक्षा मांग के दे निर्वाह करने लागे बैराग्य दशा में रहे काहू सो ज़्यादा बोले नहीं काहू के पास बिना काम के बैठे नहीं या प्रकार रहे सो तो एक समय ये दो भिक्षा को असार हुआ आए तहाँ भाईला कोठारी के घर आए ता समय श्री गुसाई जी आप भाईला कोठारी के घर विजा थे सो कोठारी के कोठ के वृक्ष के नीचे चरण पखारा थे ताय इन श्री गोसाई जी के दर्शन पाए तब तो श्री गोसाई जी को तेज प्रताप देख चक्रित वह रहे दो हाथ जोड़ के ठाड़े रहे तब तो श्री गोसाईन जी आप दून की ओर देख मुस्काये के आज्ञा किए जो तुम दोग ऐसी जगह जगह क्यों भटकत हो कुछ भगवत भजन करो तो कृतार्थ हो सो श्री गोसाई जी के वचन सुन दून को बोध भयो जाने जो ये कोई महापुरुष है ना तो बिन जाने बिन पहचाने ऐसे कौन कहे पाछी ये दोग हाथ जोड़ के विनती किए जो महाराजा धिराज हम तो भगवत भजन में कछु समझत न कलेश के मारे घर छोड़ के यह प्रकार जगह जगह भटकत है आज आपके दर्शन से परम आनंद पायो अब हम आपकी शरण आए हैं ताते कृपा कर शरण ले भगवत भजन को प्रकार समझाइए सो यह प्रकार दून की दीनता देख श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भाई समय भाईला कुठारी पास ठाड़े है तीन सौ प्रभु आप आज्ञा किए जो भाईला इन दून को स्नान कराए अपरस में हमारे पास ले आओ तो भाईला कुठारी दून को अपने घर के भीतर ले जाए के स्नान कराए पाछे नई धोबती उपरना पहरावे पहरवे को दिए दो पहर कंठी पहर तिलक चरणामत ले अपरस ही में श्री गोसाई के पास आए ठाड़े रहे तब श्री गोसाई जी आप कृपा कर दून को नाम निवेदन कराए पाछे दून को आज्ञा की जो तुम कचुक दिन यहाँ रहे भाईला कुठारी को संग करो श्री आचार्य जी के ग्रंथन को पाठ करो ताते तुमको मार्ग को सब स्फुरायमान तब ये दो भाई भाईला कोठारी के वहाँ रहे जहानो श्री गुसाई जी विराजे तहानो प्रभु उनकी टहल आए गए वैष्णव की टहल जो होए सो सब करें नित्य प्रति श्री गोसाई जी को वचनामृत सुने और श्री आचार्य जी के चिंथन को पाठ करें सुन उनमें एक चौकस हथो सुबह नित्य श्री गुसाई जी आप पोड़ें तब चरण दबावे रहस्य वार्ता पूछे यह प्रकार रहे तापाशे भाईला कोठारी सो जो बात समझ में ना आवे सो पूछे सुबह श्री गोसाईन जी को कृपा पात्र भयो और दूसरो साधारण तो सुबह को श्री गोसाईन जी आज्ञा किए जो तू इनके साथ रहे ये जो कहें सो करियो पाछे श्री गोसाइन जी आप तो श्री गोकुल पधारिता पाछे ये दो विरक्त तो दशा में रहते दो साथ फिरते आज की वार्ता को यहाँ विश्राम करें और यहाँ से आगे की वार्ता आप कल श्रवण करेंगे सो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे